अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा फहान। काफ़ी देर से ये रिक्वेस्ट पेंडिंग थी कि मैं ट्रेनिंग की वीडियो क्यों नहीं बना रहा। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, सो इसलिए मैंने कहा आज मैं कबूतर उड़ाता हूँ तो आप लोग आप वॉच कर सकते हैं। मेरे पास ये दो कबूतर हैं, कलपरा पठा अभी पठी और कलर ब्लू रंग लगे हुए इसको, जो दूसरी पठी है। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से मैं ये दोबारा ट्रेनिंग सेशन की वीडियो बना रहा हूँ। ये दोनों हैं, ये काफ़ी दिन के बाद मैं उड़ाने लगा हूँ, सो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है इनके गिरने का। वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका हुआ है, कोई एक दो बज चुके हैं दोपहर के, तो फिर भी उड़ाना तो है, आप लोगों की रिक्वेस्ट है। अभी मैं कोई 3-4 मिनट इनको बैठने दूंगा, उसके बाद उड़ाऊंगा, क्योंकि ये छत वगैरह देख लेंगे और जब कबूतर छत वगैरह देख लेता है ख़ुद से उड़े वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो आपको 5 मिनट के बाद इनको उड़ा सकते हैं। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद मैं दोबारा लाइव करता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इनके साथ मैं नया कबूतर नहीं उड़ाऊँगा, ये दोनों मेरे पास ऑलरेडी 10 पर साफ़ कर चुकी हुई हैं दोनों मादियाँ, तो कुछ नया नहीं मैं साथ उड़ा रहा, इसलिए क्योंकि नया कबूतर उड़ता है वो तंग करता है, वो छत से साइड पे हो जाता है, तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाती है जो आपके ट्रेंड कबूतर हैं उनको ख़राब कर देते हैं वो। तो अड्डा वगैरह मैंने उतार दिया हुआ है, बस अब ये जाल ही है। अब एक्चुअली मैंने अड्डा इसलिए लगाया था क्योंकि कबूतर जो है वो ईज़िली एक तो छत पे रहते हैं और जब भी रिटर्न होते हैं तो आके वो छत पे बैठते हैं, तो अब मैंने उतार दिया। ये 10 पर साफ़ हो चुके हैं, हमें ट्रेनिंग इनकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हुई है, फ़र्स्ट टाइम है ये 10 पर साफ के बाद में उड़ाने लगा इनको। ये दोस्तों टाइम ऑलरेडी इनफ हो गया हुआ, इन्होंने देख ली छत, ख़ुद तो नहीं उड़े, इनको हम खुद उड़ा देते। ये आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर जिसको लगे हुए हैं वो ऑलरेडी, उसकी प्रवास स्ट्रेट अच्छी है ऊपर को है। मौसम आज बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है, आई होप के आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे। अच्छा, ब्लू कलर्स वाली ऑलरेडी बहुत अच्छी हुई, इसका उड़ने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा इसके अंदर कुछ अब साइंस देख सकते हैं, जब कबूतर अपनी दुम को उड़ते हुए हिलाता है इसका मतलब कि वो रिलैक्स होकर उड़ना चाह रहा है। ये आप देख सकते हैं व्यू, पता नहीं वीडियो कैसी आ रही है, मुझे नहीं आइडिया। ये ऊपर ऑलरेडी किसी ने उड़ाए हुए कबूतर। आज जैसे मौसम बहुत ही अच्छा है तो लोगों ने काफ़ी कबूतर अपने उड़ाए हैं। अच्छा, आज मैं करूँगा इनको इतना ज़्यादा उड़ने ही नहीं दूँगा, क्योंकि कबूतर अभी थोड़ी देर में, जब तक मैं कबूतर बाहर नहीं छोड़ता ये उड़ेंगे। जिस टाइम मैं कबूतर छत पे बाहर निकालता हूँ इनकी जो होती है कि इनको आइडिया हो जाता है कि कबूतर हम बैठ सकते हैं। आज मैं इसलिए नहीं उड़ाऊँगा ज़्यादा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी 2 महीने के वक्फे के बाद ही उड़ें, मैं नहीं चाहता कि ये इतनी ट्रेन करके उसके बाद गिर जाएँ कबूतर। ये उड़ रहे हैं इस साइड पर और ये ब्लू कलर वाले पट्टी उड़ रही है। उड़ा नहीं जा रहा इनसे, एक तो ये चील वगैरह आ गई है, ये भी काम खराब होता है।
मैं एक्चुअली इसको तंग नहीं करना चाहता, ये बैठे बस। अगर आप लोगों ने शुरू की इसकी वीडियोस देखी हुई हैं तो ये फुल सारे इसके पर काले थे, अब 10 पर साफ हुई है तो वाइट सारे आ गए। एक दो पर इसने फिर भी काले अंदर से छोड़े हुए। वो अड्डे पे ऑलरेडी बैठती है तो इससे बैठा नहीं जा रहा। ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये 2 से 3 महीने के बाद दोबारा, जिस तरह इन्होंने 2 या 3 पर मैंने इससे साफ कराए हैं जाल के अंदर, और दूसरी पट्टी का कोई आइडिया नहीं, नहीं उड़ रही ऊपर।